What are the evidence for evolution? Evidence that evolution of life forms has indeed taken place on Earth has come from many quarters. ये लाइफ जो है बहुत साल पहले की है, ये मानने को तैयार नहीं थे लोग, तो उनको एविडेंस देना था कि किस बेस पे हम ऐसा कह पा रहे हैं. तो इसके लिए जो एविडेंस प्रोवाइड किए गए वो फॉसिल्स थे, जो बहुत सारे क्वार्टर्स में अलग अलग टाइम जोन में मिले. फॉसिल्स आर रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स. फॉसिल्स जो होते हैं वो लाइफ के हार्ड पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल बोन, बोन इज़ द हार्ड पार्ट जो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं. जैसे कि कोई ह्यूमन है या एनिमल है, जब दब जाता है नीचे सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसका डीके हो जाते हैं. लेकिन जो हार्ड पार्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल बोन, उसमें जो प्रोटीन्स होती हैं वो तो डीके हो जाती हैं, बट उसमें जो स्पेस बनता है डीके होने के बाद, उसमें मिनरल्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं. तो हमें जब भी मिलता है तो एक बोन के रूप में पूरा स्ट्रक्चर मिलता है, क्योंकि बोन्स में ऑलरेडी मिनरल्स इंटर कर चुके होते हैं. फॉसिल्स आर रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक्स. जो रॉक्स में लाइफ पाई जाती है उनके हार्ड पार्ट ही मिलते हैं फॉसिल्स में. जो रॉक्स में जीव पाए जाते हैं फॉसिल्स, वो एनिमल्स के हार्ड पार्ट मिलते हैं. रॉक फ्रॉम सेडिमेंट एंड अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इंडिकेट दैट अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द अर्थ. जो लंबी इतिहास है उसमें हमें परत दर परत के रूप में फॉसिल्स मिलती हैं. ओवर द अदर परत दर परत के रूप में हमें मिलती हैं, जो ये बताती हैं कि जो ऊपर की परत है वो अभी अभी जल्दी की है और जो नीचे की परत है वो पहले की है. इतिहास में जो नीचे की परत हमें मिली वो पहले की है, पुरानी है, और जो ऊपर अभी अभी जस्ट ऊपर की तरफ मिली है वो जल्दी की है. डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हु प्रोबेबली डाई ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर सेडिमेंट्स. अलग अलग टाइम जोन्स में जो एनिमल्स थे वो अलग अलग थे, और जो दब गए नीचे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, और उनके पार्ट्स जो है हमें फॉसिल्स के रूप में अलग अलग टाइम में मिलते हैं. जाहिर सी बात है, जितने भी एनिमल्स हैं उनको एक दिन तो डेड होना ही है. सम ऑफ देम अपीयर्स सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म. और उसमें जो हमें मिले उसमें तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो आज के ऑर्गेनिज्म हैं उनसे मिलते हैं. दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जो कि एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं. और कुछ ऐसे भी थे जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, ये ऑलरेडी जा चुके हैं लेकिन इनके भी फॉसिल्स हमें मिलते हैं. कोई कहानी नहीं है जिस पे हम बताते हैं, बल्कि हमें फॉसिल्स मिलते हैं. अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंटरी लेयर इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड. अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग फॉसिल्स अलग अलग लेयर में मिलते हैं, जो हमें बताते हैं कि उस समय का जो जियोलॉजिकल पीरियड था, उस समय की जियोलॉजिकल टाइमिंग थी, उनमें ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे. फॉर एग्जांपल हम बताते हैं कि जब डायनासोर्स थे तो ह्यूमंस नहीं थे. कैसे बता पाते हैं कि जब हमें डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं तो वो नीचे मिलते हैं. डायनासोर्स के फॉसिल जब हमें मिलते हैं तो नीचे मिलते हैं, और जब ह्यूमंस के फॉसिल्स मिलते हैं तो वो कंपेरिजन टू ऊपर मिलते हैं. तो इससे ये हम जान पाते हैं कि जब डायनासोर्स के फॉसिल मिलते हैं उसके आसपास काफ़ी कई परत तक ह्यूमंस के फॉसिल मिलते ही नहीं. इससे हमें पता चलता है कि जो जब डायनासोर्स थे तब ह्यूमंस नहीं थे, और जो ह्यूमंस के फॉसिल मिलते हैं तो काफ़ी ऊपर आके मिलते हैं. तो इससे हमें ये भी पता चलता है
कि जब ह्यूमंस थे तो डायनासोर्स ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि उसके आसपास कोई फॉसिल्स नहीं मिलता है, कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिलता है। दे स्टडी सो दैट लाइफ फॉर्म्स वेरी ओवर टाइम एंड सर्टेन लाइफ फॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन जियोलॉजिकल टाइम स्पैंस। दे स्टडी सो दैट लाइफ फॉर्म्स वेरी, इनकी जब हम स्टडी करते हैं अलग अलग लेयर पर अलग अलग तरह के एनिमल्स मिलते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि इनकी जो लाइफ थी वो टाइम टू टाइम वेरी कर रही थी। इनका जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर था, अदर चीज़ें थी, ये टाइम टू टाइम वेरी कर रही थी उनके अलग अलग टाइम्स में। हेंस न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव अराइज एट डिफरेंट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। तो इससे हमें ये साक्ष्य मिलता है कि अलग अलग समय में इनकी जो एनिमल्स थे, जो स्पीसीज थे, वो अलग अलग तरह से अराइज हुई, अलग अलग तरह से उनका ओवल्यूशंस हुआ, अलग अलग तरह से बन पाई, क्योंकि हमें अलग अलग टाइम जोन पे अलग अलग तरह के फॉसिल्स मिलते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के। ऑल दिस इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ये सारे एविडेंस जो है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस कहलाते हैं। डू यू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ द फॉसिल्स कैलकुलेटेड। हम इस फॉसिल्स की एज को कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। डू यू रिकॉल द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसेस। आप जानते हैं कैसे हम रेडियो एक्टिव प्रोसेस कार्बन 14 के द्वारा जो चेक करते हैं कैसे कर पाते हैं। इसकी लाइफ दो तरह से पता करते हैं। पहली तो ये कंपरेटिव मेथड, हम ये पता कर पाते हैं कि जो नीचे है लेयर्स में जो हमें फॉसिल्स मिला, जो नीचे है वो पुराना है, जो ऊपर है वो जल्दी का है। तो इसमें हम एक कंपरेटिव मेथड कर पाते हैं कि कौन सा पहले का है कौन सा बाद का है, लेकिन इसमें कोई हमें टाइम नहीं पता चल पाता है कितना पुराना है। दूसरा है कार्बन डेटिंग मेथड, जिसमें हम जानते हैं कि कार्बन 14 जो कि कार्बन का एक आइसोटोप होता है, इसके द्वारा हम पता कर पाते हैं कि ये कितना पुराना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कार्बन C14 है या जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, ये अपने इनका एक टिहाफ होता है। टिहाफ क्या है कि ये कितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा के आधा रह जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा ख़त्म होते रहते हैं, कम होते रहते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इसके द्वारा हम पता कर पाते हैं, इसको हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशंस। एवोल्यूशंस के लिए हमें कुछ एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलते हैं। ये क्या चीज़ है। वाज आल्सो प्रपोज बाय द अर्नेस्ट हैकल बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट दैट इज द एब्सेंस इन द एडल्ट्स। इसमें ये हमें मिल पाता है कि जो ये नई NCERT है, इसमें ये चीज़ ऐड की गई है। पुरानी NCERT में ये एम्ब्रियोलॉजिकल के बारे में टॉपिक नहीं दिया गया है। तो इसमें हमें ये पता चल पाता है कि जब वो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में होते हैं, तो उसमें अगर हम देखें इनके जो एम्ब्रियो होते हैं, तो ये सारे एम्ब्रियो एक दूसरे से सेम दिखते हैं। अगर आप किसी दूसरे बुक में या कहीं भी फिगर देख सकते हैं, तो उसमें क्या देखेंगे कि चाहे जो एनिमल ले लीजिए, अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स के, तो चाहे जो एनिमल ले लीजिए, उनका जो प्रारंभिक एम्ब्रियो होता है वो सेम होता है। सब जो है एक सब में जो है गिल पाए जाते हैं, फेरेंजियल गिल्स पाए जाते हैं, चाहे वो बड़ा होके क्यों ना लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करेगा, बट उसमें गिल पाया जाता है। सब पे एनल्टेल पाए जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि ये एम्ब्रियो इनका सेम है, मींस कहीं कहीं जीन और पैटर्न सेम है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक कॉमन एंसेस्टर से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप अ रो ऑफ वेस्टिजियल गिल्स स्लिट्स जस्ट बिहाइंड द हेड, बट इन इट इज अ फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन द फिश एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स। वही चीज़ कह रहा है कि सब में गिल पाए जाते हैं, लेकिन बाद में फंक्शनल सिर्फ फिश में होते हैं, अदर एनिमल्स में ये फंक्शनल नहीं होते हैं। तो एक प्रकार के ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है, जो आगे चल के ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे अंग को वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, लेकिन इसमें ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी भी सभी वर्टिब्रेट्स में मिल रहा है एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज पे। हाउएवर
This proposal was disapproved on careful study performed by Key, Carl Ernest von Weir. ये जो प्रपोज डिसअप्रूव्ड, इसको जो डिसअप्रूव्ड करते हैं, जो नहीं मानते हैं, वो हैं कार्ल अर्नेस्ट वॉन. ये साइंटिस्ट हैं कार्ल अर्नेस्ट वॉन, जो इसको नहीं मानते हैं. ही नोटेड दैट एम्ब्रियोलॉजिकल नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ द अदर एनिमल. वो ये तर्क देते हैं कि ये एम्ब्रियोलॉजिकल जो हैं, जो उनके लक्षण हैं, ये एनिमल्स में पास नहीं होते हैं. Comparatively, anatomy and morphology show similarities. Other animals की जो anatomy है वो same पाई जाती है. हम बात कर रहे हैं अगर vertebrates की, सब में vertebrate हैं, means notochord हैं, notochord replace हो जाता है vertebrates में. सब में anterior region पर brain है, तो इनकी जो anatomy है काफ़ी हद तक similar होती है. In difference among organism of today those that exist year ago, और जिनमें डिफरेंस दिखते हैं ये कई साल पहले बन चुके हैं. क्यों? क्योंकि ये अपने इन्वायरमेंट में एडॉप्ट करना चाहते थे. एडॉप्टेशन के कारण इनके बॉडी में चेंजिंग आ चुकी है. हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे एक बिंदु से जितनी भी इसमें रेखाएं निकली हैं जो निकाले गए हैं, जैसे कि ये ट्राइसेराटॉप्स और ट्राइनोसोरस और टेरेनोडॉन, क्रोकोडाइल, आर्क्योपिटेरिक्स, स्टेगोसोरस, ब्रांचियोसोरस, लेकिन सभी एक बिंदु से निकले हैं, एक बिंदु से अराइज हुई हैं. जितनी भी ये लाइनें निकाली गई हैं, इससे ये पता चलता है कि इनका जो एंसेस्टर था वो कॉमन था. एक चीज़ ध्यान देने लायक है इसमें, देखें क्रोकोडाइल जो है डायनासोर के पहले के हैं और आज भी हैं. तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये डायनासोर्स के पहले के हैं. इससे ये पता चलता है क्योंकि डायनासोर जहाँ पर मिला उसका फॉसिल्स उसके नीचे भी मिलता था. क्रोकोडाइल्स का फॉसिल उसके नीचे भी मिला, मतलब ये डायनासोर्स के, ये जो ट्राइनोसोरस है इससे इसके पहले बना था, इसके फॉसिल्स मिलते हैं हमें, इसलिए हमें पता चलता है कि पहले भी बना था. लेकिन ये अडॉप्ट कर रहे हैं, अब भी हैं इन्वायरमेंट में, तो ये बने पहले थे लेकिन आज भी प्रेजेंट हैं. ये हमारे रेप्टाइल फैमिली से हैं, मीन्स डायनासोर के परिवार के हैं. सच सिमिलरिटी कैन बी इंटरप्रिटेड टू अंडरस्टैंड व्हेन वेदर कॉमन एंसेस्टर्स वेयर शेयर्ड और नॉट. ये सारे जो एविडेंस हैं ये हमें बताते हैं इनके जो एंसेस्टर्स थे वो एक ही थे या फिर नहीं थे, बेयर शेयर्ड और नॉट, ये एक प्रश्न उठता है. तो चलिए हम आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल्स व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमंस शेयर सिमिलरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन फॉर फोरलिम. फोरलिम मतलब आगे का पैर. अगर हम चीता का, चमगादड़ का, व्हेल का, ये सारे हम देखें, आगे इस एनसीईआरटी में फिगर दिया गया है, इनको हम देखें तो इनका जो फॉलिम है, अगला पैर है, वो उसके जो बोन्स हैं, रेडियस, अल्ला, ह्यूमरस, ये अदर जितनी भी बोन्स हैं सब सेम हैं, सब में हैं. लेकिन किसी में रेडियस अल्ला लंबी हो गई है, किसी में अदर फिंगर्स वाली ये बोन्स लंबी हो गई हैं, किसी में ह्यूमरस बहुत छोटा है, तो ये लेकिन है सब में. तो इससे क्या मतलब पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये इनका एंसेस्टर कोई कॉमन है, इनके पूर्वज कोई कॉमन है, लेकिन ये जिस इन्वायरमेंट में रहने लगे उसमें रहने के लिए एडॉप्टेशन हो गया. व्हेल पानी में रहने लगी तो उसका चप्पू जैसा बन गया जिससे वो चल सके. बैट हवा में रहने लगा तो उड़ने लायक उसके पंख बने. चीता ज़मीन पर चलने लायक उसके अगले पैर बने. ह्यूमंस में हैंड्स बने, लेकिन जो एनाटॉमी है वो सेम है. तो इससे हमें ये मिलता है क्लू कि एंसेस्टर इनका कॉमन है. थ्रू दीज फोर लिम्ब परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दीज एनिमल्स, दे हैव सिमिलर एनाटॉमी स्ट्रक्चर. फंक्शंस तो अलग अलग हैं लेकिन इनके एनाटॉमी स्ट्रक्चर सेम है. ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, रेडिया, अनला, कार्पल्स,
मेटाकार्पल्स एंड फैलेंजेस, इन सब में जो बोन्स हैं सब में हैं। इन देयर फोर लिम, इनके अगले पैर में सब में ये बोन्स हैं जितने एग्जाम्पल ऊपर दिए गए हैं। हेंस इन दीज एनिमल द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडोप्टेशन ऑफ डिफरेंट नीड, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग डेवलप हुए क्योंकि इनकी ज़रूरतें अलग थी। कोई पानी में रहना है, किसी को एयर में रहना है, किसी को ज़मीन पे चलना है, और किसी को तो फ्री कर लेना है, उसको चलना भी नहीं, उसके हाथ को फ्री कर लेना है अपने हाथ को, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन। दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मीन्स किसी एक बिंदु से कई रेखाएं अलग अलग दिशा में निकले, ध्यान देंगे, किसी एक बिंदु से रेखाएं अलग अलग दिशा में निकले तो उसे हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो इनका जितने भी ऊपर एग्जांपल दिए गए हैं, इनका जो डेवलपमेंट हुआ है किसी एक कॉमन बिंदु से हुआ है, ये सभी निकले हैं, अलग अलग डाइवर्ट हो गए हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, इसलिए हम इनको डाइवर्ट इवोल्यूशन बोलते हैं। और इनके जो स्ट्रक्चर हैं जिनकी एनाटॉमी तो सेम है बट काम अलग है, द स्ट्रक्चर विच एनाटॉमी सेम बट फंक्शंस आर डिफरेंट इज नोन एज होमोलॉगस ऑर्गन। एग्जाम्पल्स व्हेल फॉलिम, व्हेल बैट फॉलिम, चीता फॉलिम, ह्यूमंस फॉलिम। अदर एग्जाम्पल्स आर वर्टिब्रेट्स, हर्ट्स। अगले एग्जाम्पल्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स के हर्ट्स हैं एंड ब्रेन हैं। उनके जो हर्ट्स हैं चैम्बर्ड थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हर्ट्स और हर्ट्स के काम करने की तरीके सेम हैं। ब्रेन सभी न्यूरॉन से बने हैं, सबके ब्रेन सेम हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि ये इनके एंसेस्टर जो है वो के कॉमन थे। हम देखें कुछ प्लांट्स, प्लांट्स आल्सो द थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ वैगनवेलिया एंड कुकरबिटा। किसी में थॉर्न है, किसी में टेंड्रिल्स हैं। ये जो है ये एक दूसरे के होमोलॉगी हैं, क्योंकि ये भी लीव्स के पास निकलता है थॉर्न, ये भी टेंड्रिल्स के पास निकलता है। थॉर्न निकला कांटा, ये ब्राउजिंग एनिमल्स जो उनको पत्तियों सहित खा जाते हैं उनसे बचाने के लिए कांटा बना, कांटा रहेगा तो नहीं खाएंगे। टेंड्रिल्स बना पत्ती के पास ही, वो भी बनता है, ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है टेंड्रिल्स, जो रनर में पाया जाता है, जो किसी के झाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए उसमें लिपट जाता है, तो इसको टेंड्रिल्स बोलते हैं। कुकरबिटा फैमिली में पाया जाता है। ये एग्जांपल्स हैं। ओके, ये एनालॉगस एग्जांपल्स हैं। होमोलॉगी इज द बेस ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वेयर एनालॉगी रिफर्स टू अ सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। होमोलॉगस जो हैं ये एग्जांपल्स हैं कि इनका एक कॉमन एंसेस्टर था, लेकिन जो एनालॉगी है इसके अपोजिट है। अपोजिट क्या है, इनमें अपोजिट इसका उल्टा, तो इनमें उल्टा ये है, काम इनमें सेम होगा लेकिन इनका जो एंसेस्टर होगा वो अलग अलग होगा, उसको हम लोग जानते हैं एनालॉगी। होमोलॉगी इज बेस्ड ऑन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वेयर एज एनालॉगी रिफर्ड एज अ सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लुक लाइक, बटरफ्लाई की जो विंग्स हैं और बर्ड्स की विंग्स हैं एक ही तरीके के हैं, दे आर नॉट एनाटोमिकली सिमिलर, लेकिन उनमें एनाटोमी सेम नहीं है, उसकी जो बनावट है इंटरनल उसमें बर्ड्स की विंग्स में कुछ बोन्स हैं, हालो बोन्स हैं, लेकिन ड्रैगन फ्लाई बटरफ्लाई इनमें तो नहीं है। स्ट्रक्चर दोज दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, और इनका फंक्शन सेम है क्योंकि इनको दोनों को एयर में रहना है और उड़ना है, हवा में उड़ना है, हेल्प विंग्स के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो इवोल्यूशंस हुए हैं इनको हम जानते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के नाम से, हेंस एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट इन द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट का मतलब है अलग अलग जगह से आके किसी एक जगह पर पहुंच जाना। जैसे अलग अलग स्पीसीज थी, वो भी एयर में रहने लगी, दूसरी वाली भी एयर में रहने लगी, उसके एनाटॉमी तो अलग थे लेकिन अब
जो इन्वायरमेंट है वो एक सेम है, उसी में दोनों को रहना है। तो इसके लिए जो उनमें इवोल्यूशंस हुआ, जो उनमें ऑर्गन्स इवॉल्व हुए बने, वो इसी तरह से बने कि दोनों हवा में रह सकें, दोनों हवा में उड़ सकें। एनाटॉमी डिफरेंस है लेकिन काम सेम है। तो ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन, द ऑर्गन विच एनाटॉमिकली डिफरेंट बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज नोन एज एनालॉगस ऑर्गन। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बटरफ्लाई के विंग्स और बर्ड के विंग्स। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है अलग अलग जगह से रेखाएं आएंगी, किसी एक बिंदु पर मिलेंगी, क्योंकि यहाँ जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो सेम है। डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व फॉर द सेम फंक्शन एंड हेंस हैविंग सिमिलरिटीज। अलग अलग स्ट्रक्चर किसी एक काम के लिए मॉडिफाइड होते हैं और फिर इनमें सिमिलरिटीज होती हैं इनके फंक्शंस में। अदर एग्जांपल्स ऑफ एनालॉजी आर द आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स और द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। मैमल्स की जो आई है और ऑक्टोपस की जो आई है सेम है उनका काम, लेकिन उनके एनाटॉमी में डिफरेंस है। फ्लिपर्स जो पेंगुइन्स के हैं डॉल्फिन के हैं, दोनों काम सेम है लेकिन उनके एनाटॉमी में डिफरेंस है। ये एग्जांपल्स हैं हमारे कन्वर्जेंट एग्जांपल, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के। वन कैन से दैट इट इज़ द सिमिलर हैबिटेट दैट हैज़ रिजल्टेड इन सेक्शन इन सिमिलर एडाप्टिव फीचर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट टूआर्ड द सेम फंक्शन दैट इज रिजल्ट इन द सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडाप्टिव फीचर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि इसमें जब उनको एक जैसी कंडीशन दी जाती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, तो उनमें जो फीचर्स इवॉल्व होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन जो फीचर्स इवॉल्व होते हैं, जो उनमें फीचर्स बनती हैं, वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट तो सेम है, रहना उनको सेम जगह है, तो जो उनमें फीचर इवॉल्व होंगे वो सेम होंगे, उनके फंक्शन सेम होंगे, जबकि ऑर्गेनिज्म अलग है। ऑर्गेनिज्म बट टू आर द सेम फंक्शन। स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफाइड, जो स्वीट पोटैटो होती है गंजी जिसको बोलते हैं, वो एक रूट है जो मॉडिफाइड हो जाती है। एंड पोटैटो स्टेम मॉडिफाइड इज अनदर एग्जांपल फॉर एनालॉगी। लेकिन देखने में सेम है, खाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा मीठा होता है, बाकी इसमें भी स्टार्च है उसमें भी स्टार्च है। देखने काट के रखा जाए तो देखने में भी सेम है, लेकिन ये अलग अलग स्पीसीज से हैं, अलग अलग चीज़ें मॉडिफाइड हुई हैं। वो रूट का मॉडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो और ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो ये एनालॉगी के एग्जांपल्स हैं। इन द सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स सिमिलरिटीज इन प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन एमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लू टू कॉमन एंसेस्ट्री। क्या कह रहा है इसमें कि इसमें कह रहा है जैसे कुछ प्रोटीन्स हैं या जीन्स हैं परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन, उनको जो फंक्शंस एक प्रोटीन करेगी वो फिर चाहे जिस एनिमल में पाया जाए वो वही फंक्शन करेगी। कोई प्रोटीन है कैटलिस्ट का काम करती है, एंजाइम का काम करती है, तो सब में एंजाइम का काम करेगी। कोई जीन है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं AUG जिसको स्टार्ट कोडान बोलते हैं और ये मेथियोनिन के लिए कोड करती है। अब वो चाहे जिस एनिमल में पाई जाएगी वो स्टार्ट कोडान का काम करेगी DNA पे और वो मेथियोनिन अमीनो एसिड्स बनाएगी। फिर एनिमल चाहे जो हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, चाहे ह्यूमन हो, सब में सेम है। तो ये क्या बताते हैं हमको कि अगर उसमें भी सेम काम कर रहा है, इसमें भी सेम काम कर रहा है, सब में सेम काम कर रहा है, प्रोटीन्स भी सेम काम कर रही है, तो इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं कितना भी पीछे हम हिस्ट्री में चले जाएं, लेकिन ये इनके जो पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं सेम थे, तभी तो सब में प्रोटीन्स सेम पहुँच रही है, सब में जीन जो है सेम पहुँच रही है, उनका काम भी सेम पहुँच रहा है। दीज बायो केमिकल सिमिलरिटीज पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज अ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। आज भले ही ऑर्गेनिज्म डाइवर्स हो गए हैं, इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं जो एंसेस्टर है वो सेम था, ये हमें बताते हैं। मैन हैड ब्रीड सेलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल फॉर एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर स्पोर्ट्स आर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, फ्लावर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए
मैन जो है ब्रीड करता है, उगाता है अलग अलग प्लांट्स को, अलग अलग वराइटीज़ को। मैन हैज़ डोमेस्टिकेटेड मेनी वाइल्ड एनिमल, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल को डोमेस्टिकेट कर लिया है और उसको एक फसल के रूप में कल्टीवेट करता है, सॉरी कल्टीवेट नहीं बोलेंगे यहाँ, कल्चर करता है। दिस इंटरेस्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज़ क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम अदर ब्रीड्स। इस प्रकार इसने बहुत सारे प्रोग्राम्स चला चला के बहुत सारे नई नई वराइटीज़ को बनाया है, बट स्टिल आर द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप के बहुत सारी वराइटीज़ को उगा लिया है। इट इज़ आर्ग्यू दैट द विद इन हंड्रेड्स ऑफ ईयर, और ये क्या कितने दिन में किया है, लगभग 100 साल में। ये जो हरित क्रांति हुई है, ये अदर चीज़ें, ये बहुत दिन पहले नहीं हुई। मैन कुड क्रिएट नाउ ब्रीड, और मैन इसको ब्रीड भी कर रहा है। कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, तो क्या इस प्रकार से जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो नहीं कर सकती, जबकि ये तो 100 साल में किया है और मिलियंस के पास तो सॉरी प्रकृति के पास तो मिलियंस ऑफ ईयर है, तो क्या प्रकृति ऐसा नहीं कर सकती है। ह्यूमंस जब 100 साल में इतनी सारी वराइटीज बना सकते हैं, तो ये जो दिख रहा है हमें इतना ज़्यादा इवोल्यूशंस, इतने ज़्यादा सॉरी इवोल्यूशन वराइटीज दिख रही हैं किसी भी, इतनी सारी स्पीसीज दिख रही हैं, इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी दिख रही है, तो क्या नेचर नहीं बना सकती कि उसके पास तो मिलियंस ऑफ ईयर हैं। हमारे पास छोटी सी फील्ड है जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके पास तो पूरे पूरे पृथ्वी है, वो तो बना सकती है। इन अदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सपोर्टिंग इवोल्यूशंस बाय नेचर सेलेक्टेड कम फ्रॉम इंग्लैंड इन अ कलेक्शन ऑफ मॉथ मेड इन 1850 बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इंग्लैंड की बात है, यहाँ पर 1850 में देखा गया कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, जब वहाँ पर कंपनियाँ नहीं लगी थी, इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर वेयर मोर वाइट विंग्स मॉथ ऑन ट्री, तो जो वहाँ पर पेड़ थे, पेड़ पे उगे हुए थे लाइकेंस, लाइकेंस उगे हुए थे जो वाइट कलर के थे, तो उसमें जो जिनका वाइट विंग्स था मॉथ का, वो कैमोफ्लैज हो पाते थे, छिप पाते थे, उनको चिड़िया खा नहीं पाती थी क्योंकि लाइकेन भी सफ़ेद, वो भी सफ़ेद, तो उसमें जो है उनकी जनरेशन ज़्यादा थी। और देन डार्क विंग्स, और जिनका डार्क विंग्स था उनके कंपेरिजन में वाइट वालों की ज़्यादा थी, क्योंकि जब चिड़िया आती थी तो वाइट बैकग्राउंड है, वाइट मौत है, तो वो तो छिप जाता था, लेकिन डार्क वाला नहीं छिप पाता था, तो उसको जो है आसानी से खाती थी। इस प्रकार से जो संख्या होती थी डार्क वालों की कम रहती थी और वाइट वालों की ज़्यादा रहती थी। आर मेलनाइज मौत, मेलनाइज मौत या फिर डार्क विंग्स वालों को बोलते हैं। हाउएवर इन द कलेक्शन कैरी आउट फ्रॉम द सेम एरिया बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन जो उनका कलेक्शन था उस एरिया में, वो दोनों थे, कोई गायब नहीं हो रहा था। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्री लगी 1920 में, दे वे मोर डार्क विंग्स मौत इन द सेम एरिया, तो हमें देखने लगे कि जो डार्क विंग्स वाले थे वो ज़्यादा मिलने लगे, वाइट वाले कम हो गए। रीजन क्या रहा, इन प्रॉपर्टी वाज रिवर्स, इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो उलट गई, पहले तो वाइट वाले मिलते थे और अब हमें डार्क वाले मिल रहे हैं। तो इसमें जो फिगर बनाया गया है थोड़ा सा कम ठीक है, मैं एक दूसरा फिगर आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये फिगर देखेंगे आप, इसमें जो रेड कलर से दिखाया गया है, इस पे मौत है लेकिन नहीं दिख रहा है, और इधर तो हाँ। रीजन क्या था, जब ये ये लाइकेंस जो उगे हुए थे इस पे, ये वाइट कलर के थे तो मौत इस पे रहते थे, तो देख नहीं पाती थी चिड़िया। और ये कुछ दिनों के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, मींस कहीं पे इंडस्ट्री लगती है और वहाँ पर पॉल्यूशन होता है, तो लाइकेंस जो है ये एक इंडिकेटर का काम करते हैं, ये वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म हो गए तो जो उनकी छाल थी वो जो है छाल जो थी उनकी वो ब्लैक थी, और ब्लैक छाल पे वो जो मौत थे, ब्लैक छाल पे जो मौत थे ब्लैक कलर के, वो जो है आसानी से नहीं देख पा रहे थे चिड़िया। फिर सफ़ेद वाले दिख जा रहे थे, क्यों, क्योंकि लाइकेन तो ख़त्म हो गए, लाइकेन सफ़ेद थे, अब लाइकेन ख़त्म हो गए, लाइकेन सफ़ेद थे, अब छाल ब्लैक है, ब्लैक वाला मौत छिप पा रहा है, कैमोफ्लैग हो रहा है, और वाइट वाला नहीं। तो चिड़िया जब आती थी खाने, तो ये जो है वाइट वाले को सेलेक्ट करती थी,
और ब्लैक वाला बच जाता था। इस प्रकार से ब्लैक वाले की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसका तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा है कारण जिससे आप सरवाइव कर पा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप सरवाइव करते रहेंगे सरवाइव करते रहेंगे सरवाइव करते रहेंगे। अचानक ऐसा कोई चेंजिंग आ सकता है कि जो आपके लिए बेनिफिट है वही आपके लिए हार्मफुल हो जाए। इसका कलर पहले इसको बेनिफिट दे रहा था, बाद में यही इसके लिए नुकसानदायक बन गया। क्यों? क्योंकि लाइकेन ख़त्म हो गए, वाइट कलर्ड ख़त्म हो गया, तो ये दिखने लगा और ब्लैक वाला अब नहीं दिखता है। द एक्सप्लेनेशन पुट फॉर दिस ऑब्जर्वेशन वाज दैट प्रेडेटर विल स्पॉट अ मॉथ अगेन द कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। तो जो प्रेडेटर होते थे ये चूँकि बैकग्राउंड कॉन्ट्रास्ट हो गया, उल्टा हो गया, काला हो गया, वाइट वाला दिखता है, तो इसलिए उसको खा पाते हैं। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिलहाल पहले सफ़ेद वाले के बारे में बताया है। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, इंडस्ट्री लगने के बाद द ट्री ट्रंक बिकम डार्क, ट्री का जो ट्रंक था, छाल था, वो काला हो गया। इंडस्ट्री स्मोक एंड सूट्स, स्मोक के कारण ये काला हो गया। अंडर दिस कंडीशन द वाइट विंग्स मॉथ डिड नॉट सर्वाइव ड्यू टू प्रीडेटर्स। अब यहाँ जब काला हो गया वो छाल, तो अब इस पे जो वाइट कलर्ड वाले थे ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनको जो है पहले सेलेक्ट करती थी चिड़िया जब खाने आती थी। डार्विंग्स आर मेलानाइज मॉथ सर्वाइव, ये अच्छे से सर्वाइव कर रहे थे डार्विंग डार्क विंग्स वाले। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट अ थिक ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट वाइट कलर्ड लाइकेन कवर्ड द ट्री। इंडस्ट्री के पहले लाइकेंस जो है कवर्ड किया था, एक पूरी मोटी सी कवर्ड बनी हुई थी वाइट कलर्ड की, तो उस पर वो रह पाता था। इन द बैकग्राउंड ऑफ वाइट विंग्स मॉथ सर्वाइव, वाइट वाला जिसका विंग था वो आसानी सर्वाइव कर रहा था, बट द डार्क कलर मॉथ वाई पिक्ड आउट बाई प्रीडेटर। उस समय जो है डार्क कलर्ड वाले प्रीडेटर डार्क कलर वालों को खाते थे, क्योंकि वो कैमोफ्लाइज नहीं पाते थे, छिप नहीं पाते थे। डू यू नो दैट लाइकेन कैन बी यूज एज अ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर। हम लोगों को पता है, 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो लाइकेंस होते हैं वो एक इंडिकेटर का काम करते हैं। अगर कहीं पे पॉल्यूशन हो जाता है तो लाइकेन धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ ग्रो नहीं कर पाते हैं। दे विल नॉट ग्रो इन अ एरिया दैट द पॉल्यूटेड, वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। हेंस मॉथ दैट बेयर एबल टू कैमोफ्लाइज देमसेल्व्स हाइड इन द बैकग्राउंड सर्वाइव, जो उसमें छिप पाते हैं वो सर्वाइव करते हैं। दिस अंडरस्टैंडिंग द सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट एरिया वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट अकर्स, ये देखा गया, क्योंकि जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था वहाँ पर सफ़ेद वाले अब भी ग्रो कर रहे थे ज़्यादा में और ब्लैक वाले कम में संख्या में। इन रूरल एरिया, रूरल एरिया वहाँ से कुछ दूर एरिया जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगी थी, द काउंट ऑफ मेलानिक मॉथ वॉज लो, तो वहाँ पर जो संख्या थी डार्क वाले मॉथ की, मेलानिक मॉथ की कम थी और वाइट वाले की ज़्यादा थी, रूरल एरिया में जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगी थी। दिस सो दैट द मिक्स पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर अडॉप्ट सर्वाइव एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज। रिमेंबर दैट द वेरिएशन इज कम्प्लीटली विप्ड आउट। इसमें कह रहा है कि जो ये मिक्स पॉपुलेशन है वही ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाती है जो कंडीशंस आती हैं उनको अडॉप्ट कर पाती है, जैसे हमने भी एग्जांपल देखा। रिमेंबर दैट इन नो वेरिएशन इज कम्प्लीटली विप्ड आउट, ये जो वेरिएशंस हैं जो दिख रहे हैं इसमें कोई भी एनिमल पूरा का पूरा ख़त्म नहीं होगा, रहेंगे, लेकिन जो ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी और जो कम जिनको अडॉप्ट कर पा रहे हैं उनकी संख्या कम रहेगी। सिमिलरिटीज एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, यही लागू होता है कि जब हम ज़्यादा हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो बहुत सारे कीड़े ख़त्म हो जाते हैं बट जो बचते हैं, जो हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं अपने बॉडी में, पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं अपनी बॉडी में, फिर वो आसानी से नहीं ख़त्म होते, फिर हम उनको और ज़्यादा जहरीली हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड और ज़्यादा कंसनट्रेटेड हर्बिसाइड पेस्टिसाइड डालेंगे तब जाके काम करेगा। उसमें भी कुछ लोग डेवलप कर लेंगे अगेंस्ट रेसिस्टेंस, फिर कुछ दिनों के बाद हमें जो स्पीसीज उनकी मिलेगी, क्योंकि जो बचेंगे वही तो रिप्रोड्यूस करेंगे, जो उनकी स्पीसीज मिलेगी वो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट डेवलप कर चुकी होगी। हैज़ ओनली रिजल्टेड इन द सिलेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस वेरिएशन इन अ मच लेसर टाइम स्केल, और हमारे पास जो एक वैराइटीज़ मिलती है इतने कम समय में, अब अगर यही काम नेचर करेगी तो
तो नेचर में एवोल्यूशन करेंगे एवोल्यूशन करेंगे एवोल्यूशन करेंगे, इनको हज़ारों साल लग जाएंगे, लेकिन हमारे द्वारा जब ये फिल्टर किए गए रिसिस्ट हर्बिसाइड पेस्टिसाइड डाल के, तो जो बचे वही बचे जिनके पास रिसिस्टेंट था, तो ये बहुत ही जल्दी से एक ऐसी पॉपुलेशन तैयार हो जाएगी जो रिसिस्टेंस ही रिसिस्टेंस है जिनके पास। और ये हमारे द्वारा हुई बहुत जल्दी हुई, जबकि प्रकृति करती तो हज़ारों लाखों साल लग सकते थे। दिस इज़ आल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट, ये माइक्रोब्स के लिए सही है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, जब ह्यूमंस की बॉडी में किसी एनिमल्स की बॉडी में जब बैक्टीरिया आती हैं, अनास में लोग एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, इसका एक कोर्स होता है, मान लीजिए 15 दिन का कोर्स है, डॉक्टर ने दिया है आपको दवा खानी है, 15 दिन में ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगी, आपने 12 दिन खा के छोड़ दिया, तो जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में रह गई वो उस मेडिसिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप कर लेगी, अगली बार वो मेडिसिन कोई काम नहीं करेगी, इफेक्टिव नहीं रहेगी। और ये इतना जल्दी इसलिए कर पाती हैं क्योंकि इनका जो लाइफ स्पैन होता है बहुत छोटा होता है, कुछ मिनट्स में ये ग्रो कर जाती हैं, कुछ घंटों में ये अपनी संख्या बदल लेती हैं। ड्रग्स अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए भी यही है ड्रग्स। सेल हेंस रेसिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, सेल आर अपेयरिंग इन अ टाइम स्केल मंथ ईयर एंड नॉट सेंचुरीज। और इस तरह से जब हम रेसिस्टेंस डेवलप करती हैं तो जो ये ग्रो होती हैं स्पीसीज, ये कुछ मंथ में कुछ ईयर में या कुछ कुछ थोड़े से टाइम में डेवलप हो जाती हैं, जबकि अगर नेचर करती तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ये जो एवोल्यूशंस होते हैं ये नेचुरल नहीं होते हैं बल्कि ह्यूमंस इसमें इंक्लूड होते हैं, तो उनको एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बोलते हैं। दिस आल्सो टेलस दैट एवोल्यूशंस इज नॉट डायरेक्टेड प्रोसेस। एवोल्यूशन कोई ऐसा नहीं है कि इसमें एक यूनि डायरेक्शन में जा रहा है, एवोल्यूशन हुआ होता जा रहा है, रेप्टाइल से एबीज बन गए, एबीज से मैमल्स बन गए, मैमल्स में सबसे ऊपर ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस ही ग्रो करेगा, ऐसा नहीं है। अचानक कोई दूसरा बीच से ग्रो कर सकता है, कोई आगे चल के आगे आने वाले दिनों में कोई पीछे का रेप्टाइल का ग्रो कर जाए, इतना बड़ा हो जाए कि ह्यूमंस को ख़त्म कर दे, पूरा का पूरा ख़त्म कर दे। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल देखा कि वाइट वाले अच्छे से सर्वाइव कर रहे थे और अचानक एक ऐसा परिवर्तन हो गया कि ब्लैक वाले अच्छे से सर्वाइव करने लगे, वाइट वाले ख़त्म हो गए, उनकी जो चीज़ें उनको फ़ायदा पहुंचा रही थी वही उनके लिए काल बन गई उनका कलर। दिस आल्सो टेल अस दैट एवोल्यूशन इज नॉट डायरेक्शनल प्रोसेस। ये कोई डायरेक्शनल प्रोसेस नहीं है कि जाता रहेगा, कहीं से भी हो सकता है एवोल्यूशंस। दिस इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन द चांस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो चांस पर डेवलप करता है, बाई चांस कहीं से भी हो सकता है। इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। और ये म्यूटेशन के द्वारा होता है, कहीं से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ओके, थैंक्स।